आज बात करते हैं मक्का के अंदर कीटनाशक प्रबंधन की। और कीटनाशक प्रबंधन मक्का मक्का के अंदर बहुत ज़रूरी है। ये मक्का 60 दिन की आपको दिख रही है। इसमें हमने अभी तक स्प्रे की बात करें तो केवल एक स्प्रे किया है दोस्तों, 15 दिन की अवस्था में। 15 दिन की अवस्था में इसमें जब मक्का थी, 15 से 20 दिन के भीतर भीतर एक स्प्रे इसमें हुआ। और फल आर्मी वर्म कंट्रोल के लिए एक स्प्रे करा दोस्तों। और जो भी 15 से 20 दिन में पौधा छोटा होता है तो पानी की मात्रा भी कम लगती है, दवाई की मात्रा भी कम लगती है। तो वो एक स्प्रे हमने इसमें अच्छे से किया, पानी पर्याप्त मात्रा में रखा, पौधे को अच्छा दवाई से तर करा, पानी से तर करा। तो 15 से 20 दिन में एक स्प्रे इल्ली मार का इसमें अच्छे से कराया हमने। दवाई हम कोई सी भी ले सकते हैं, मोनोक्रोटो ले सकते हैं, प्रोफेनोफॉस ले सकते हैं, या फिर कोराजन ले सकते हैं, जो आपके बजट में हो, जो आपको अच्छा लगे। कोई सी भी एक इल्ली मार की दवाई आप ले सकते हैं, ले लो कोई सी भी। अगर कोराजन लेंगे तो महंगी पड़ेगी, पर उसका असर लंबे समय तक रहेगा, पौधे के अंदर इल्ली मरेगी और पूरी पूरी गारंटी रहेगी कि 20 दिन तक इल्ली वापस अपने को उतना अटैक वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरी पूरी गारंटी रहेगी कोराजन में। बाकी दूसरी दवाई में 8 दिन 10 दिन की गारंटी रहती है, आपको देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद में दूसरे स्प्रे की बात करें दोस्तों, दूसरा कोई स्प्रे नहीं हुआ है। मक्का जब 40 दिन की हुई थी तो 40 दिन में ये FMC का फटे रहता है दानेदार, तो ये टोसे के अंदर 4-4 8-8 दाने डालना रहता है, दानेदार आता है ये प्रोडक्ट, तो ये डालना रहता है। दूसरा स्प्रे नहीं करा, दूसरे स्प्रे की जगह पर ये डाला, ये दानेदार प्रोडक्ट आता है फटेरा, तो इसके अंदर डाला है मैंने। तो ये मुझे लगा 8 बीघा में मैंने 16 किलो मेरा ये डल गया है, तो ये 4-4 किलो की पैकिंग में आता है, 4 किलो ये आता है 800 रुपये का, 16 किलो मेरे को पड़ा 3200 रुपये में, तो 3200 रुपये का खर्च मेरे को इसका आया है। बस ये दो स्प्रे, ये दो चीज़ों से मैंने, एक स्प्रे तो 15 दिन के ऊपर कर देना है अच्छा, और दूसरा जैसे ही मक्का थोड़ा टोसा बन जाए उसका चारों तरफ, तो ये फटेरा डाल देना है अपने को, 35-40 दिन के ऊपर डाल ही देना है इसको टोसे के अंदर अच्छे से मजदूरों से। तो ये मेरे दो तरीके से मैंने, एक स्प्रे करके और दूसरा फटेरा डाल के मैंने मेरे मक्का की जो इल्ली है फल आर्मी वर्म उसको पूर्ण रूप से कंट्रोल किया है। और इसका सैंपल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आप पूरा खेत देख सकते हैं, देखो दोस्तों। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।